ये है देखो पक्षियों का रोचक संसार। यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं और इनसे आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली हैं, ठीक है? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। सृष्टि, आप ऐसे पक्षी पर गोला लगाइए जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है, उसका अंडा सबसे बड़ा होता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, ऐसा पक्षी कौन सा है? इसमें वेरी गुड, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और इसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है, वेरी गुड। नैन्सी आ जाइए। नैन्सी, आप उस चिड़िया पर गोला लगाइए जिसके शरीर पर 9 रंग के पंख होते हैं, वो कौन सी चिड़िया है? पिट्टावर्ड, वेरी गुड। पिट्टावर्ड एक ऐसी चिड़िया होती है जिसके 9 रंग के पंख होते हैं, ठीक है। दीक्षा, आप उस चिड़िया पर गोला लगाइए जो कि विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है। रुको, सुन लो पहले पूरा। विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है, आगे की डायरेक्शन में भी उड़ सकती है, पीछे की डायरेक्शन में भी उड़ सकती है, सबसे हल्की होती है और विश्व में सबसे छोटा अंडा भी इसी चिड़िया का होता है, वो कौन सी चिड़िया है? हमिंग बर्ड, वेरी गुड। उस चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड, शाबाश। सोनम, आप एक ऐसी चिड़िया का नाम ढूंढिए इसमें जो कि कभी भी जमीन पर अपने पैर नहीं रखती है, कभी भी अपने जमीन पर पैर नहीं रखती और भारत में पाई जाती है, उस चिड़िया का नाम बताओ। हरियल पक्षी, वेरी गुड। हरियल पक्षी कभी भी अपने पैर जमीन पर नहीं रखता है। दुर्गा, दुर्गा, आप उस चिड़िया पर गोला करिए जो कि डाकिया पक्षी कहा जाता है, चिट्ठी ले जाता भी है लेके आता भी है और इसमें नर और मादा दोनों ही अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं, वो चिड़िया कौन सी है? कबूतर, शाबाश। कबूतर को डाकिया पक्षी कहते हैं, इसमें नर और मादा दोनों ही अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। अब है विमल। विमल, आप उस चिड़िया पर गोला करिए जो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है, सबसे सुंदर पंख होते हैं और विश्व की सबसे सुंदर चिड़ियों में भी उसकी गिनती होती है, वेरी गुड। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और सबसे सुंदर चिड़ियों में इसकी गिनती होती है। राधा, आप उस चिड़िया पर गोला करिए जो भारत में सबसे बड़ी चिड़िया मानी जाती है और इसकी खासियत ये है कि अगर इसका एक साथी मर जाए तो दूसरा भी अपने प्राण त्याग देता है, वो पक्षी कौन सा है? ढूंढो। सारस, वेरी गुड। सौम्या, सौम्या, आप एक ऐसे पक्षी पर गोला करो जो कि सबसे आलसी पक्षी माना जाता है, अपना घोंसला नहीं बनाता और अपने बच्चे भी नहीं पालता है। कोयल, शाबाश। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो सबसे आलसी पक्षी होता है, अपना घोंसला नहीं बनाता है और अपने बच्चे भी दूसरे के घोंसले में रख देता है अपने अंडे। चलो अब आ जाओ, अनीस आएंगे। अनीस, आप एक ऐसी चिड़िया पर गोला लगाइए जो कि सबसे बुद्धिमान चिड़ियों में जिसकी गिनती होती है, सबसे बुद्धिमान, और आपने इसकी कहानियां बचपन से सुनी है कि ये कितना बुद्धिमान है, शाबाश। कौवा की वो वाली कहानी सुनी है ना, कैसे पानी पीता है घड़े में कंकर डाल के, हाँ, उससे पता चलता है ये कितना बुद्धिमान है। चलिए नेक्स्ट। नैन्सी, आप उस चिड़िया पर गोला लगाइए जो कि विश्व की सबसे बड़ी चिड़ियों में जिसकी गिनती होती है, सबसे बड़ी चिड़िया है जो, लेकिन वो उड़ भी सकती है, जैसे शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी चिड़िया थी लेकिन वो उड़ नहीं सकती है, इनमें से वो चिड़िया कौन सी है जो सबसे बड़ी चिड़िया होती है लेकिन उड़ सकती है? अल्बाट्रोस, वेरी गुड। अब दीक्षा, आप उस चिड़िया पर गोला करिए जो कि मीठा मीठा गाती है, बुलबुल। बुलबुल मीठा, बहुत मीठा गाना गाती है, ठीक है। सृष्टि, आप उस चिड़िया पर गोला करिए जो कि बाघ की तरह बोल सकता है, ऐसी चिड़िया जो बाघ की तरह बोल सकती है,
बिटर्न पक्षी, शाबाश। नेक्स्ट, पक्षियों का राजा किस चिड़िया को कहते हैं? देखिए कौन सी चिड़िया है जिसे पक्षियों का राजा कहते हैं, शाबाश। राधा उस चिड़िया पर गोला करिए जिसके शरीर पर पंख नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं उसकी, और ये न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी भी होती है, कीवी पक्षी, शाबाश। अब एक ही बचा है विमल, एक ऐसा पक्षी डक हॉक, डक हॉक पे गोला करो, डक हॉक बताती हूँ इसके बारे में। डक हॉक एक ऐसा पक्षी है जो कि सबसे तेज स्पीड में, विश्व का ऐसा पक्षी जो सबसे तेज स्पीड में उड़ सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? बहुत अच्छी। वेरी गुड।